नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में आतंकी श्रद्धालुओं की बस पर गोलियां बरसा रहे थे। इस हमले ने साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी के तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने से पाकिस्तान किस कदर बौखलाया हुआ है। ये पाकिस्तान की बौखलाहट ही है कि अब तक पर्यटकों को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले आतंकियों ने अपना टेरर पैटर्न बदल दिया है और बाहरी लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वो गोली के निशान है जहां से आतंकियों ने पहले इस बस पर अंधाधुंध गोलियां जो हैं वो यहां पर बरसाई, और उसके बाद यहां से जो है वो बस अनियंत्रित होती हुई यहां खाई में आ गिरी, और उसके बाद से लेकर तेजी से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर चलाया गया। श्रद्धालुओं से भरी बस पर किए गए आतंकी हमले का मकसद ये भी माना जा रहा है कि भारत ने नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 7 पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मेहमान के तौर पर बुलाया, उनका सम्मान बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान को इससे दूर रखा। भारत की नीति साफ है कि वो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। यही वजह रही कि पाकिस्तान को निमंत्रण नहीं दिया गया, और इससे पाकिस्तान इतना चिढ़ गया कि उसने ठीक शपथ ग्रहण के समय आतंकी हमला किया। इस हमले के जरिए पाकिस्तान ने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि उसके आतंकी जम्मू कश्मीर में अभी भी सक्रिय हैं। बड़े सोच समझ के टाइम पे चुना गया है। ये हमला पाकिस्तान के ISI के माध्यम से कराया गया। लक्ष्य तैयबा ने इसको हमला किया, TRF ने क्लेम किया, जो वास्तव में लक्ष्य तैयबा की है। और ये जो आतंकवादी है ये होम ग्रोन आतंकवादी नहीं है, दे हैव कम फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। और ये ऐसे समय में किया है जब सारा का सारा मीडिया अटेंशन उसको मिल सके, मैक्सिमम एम्बैरेसमेंट हो सके प्रधानमंत्री को और हिंदुस्तान को। आतंकियों के हमले का मकसद और उनकी टाइमिंग के अलावा ये सवाल भी उठ रहा है कि आतंकियों ने श्रद्धालुओं को ही निशाना क्यों बनाया? क्या आतंकी सैलानियों में डर का माहौल बनाना चाहते हैं? क्या आतंकियों की कोशिश अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने की है? हमारे सभी लोग मतलब जो गए हैं साथ में। कितने लोग गए थे? 8 लोग गए थे। कौन कौन? मम्मी पापा थे और मामा मामी थे, उनके भाई थे। क्योंकि पिछले साल में ऐसी आतंकी घटनाएं कम ही हुई जिसमें आतंकियों ने सीधे सीधे सैलानियों को निशाना बनाया हो। पिछले कुछ सालों में श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इसी साल 18 मई को अनंतनाग के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ। इस आतंकी हमले में पति पत्नी को गोलियों का निशाना बनाया गया। मई 2022 में वैष्णो देवी जा रही बस में बम से हमला किया गया। इस हमले में 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई जबकि 24 लोग घायल हुए। 10 जुलाई 2017 को अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं पर हमला हुआ जिसमें 7 लोग मारे गए और 18 लोग घायल हो गए। 1990 से 2017 तक अमरनाथ यात्रियों पर 36 आतंकवादी हमले हुए हैं जिनमें 53 यात्री मारे गए और 167 यात्री घायल हुए। इस हमले से जम्मू कश्मीर के लोगों में भी बेहद नाराजगी देखी जा रही है। इसकी वजह ये भी है कि इस समय वहाँ पर्यटन सीजन चल रहा है और आतंकियों ने सीधे पर्यटकों को निशाना बनाकर उनके मन में खौफ पैदा करने की कोशिश की है जिससे लोगों में उबाल देखा जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर पर्यटन पर पड़ेगा और इससे वहां के लोगों का रोजगार प्रभावित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee मीडिया, Zee न्यूज़।